हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में आज हम जा रहे हैं अपनी सुमो गोल्ड के साथ। जाने का पर्पस साफ है, थोड़ा सा हमको चाहिए सुकून। और एडी वो इंसिडेंट के बाद डर गया था, तो एडी को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। घूमेगा पहाड़ों में तो अपने आप वो थोड़ा सा रिकवर होने लगेगा। ये पहाड़ जैसे आज दिख रहे हैं ना, जितना ब्यूटीफुल, जितना अट्रैक्टिव, इससे पहले इससे भी ज़्यादा हुआ करते थे। और मैं समय के साथ देखता जा रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पहाड़ यहाँ से ख़त्म होते जाएंगे। यहाँ की ब्यूटी है, यहाँ का नेचर जब ख़त्म हो जाएगा, हम लोग खुद उसकी जड़ों को खोद देंगे, तो कहाँ ये सारी चीज़ें बच पाएंगी। एज ए सिटीज़न हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुछ सोचें इनके बारे में। सरकार अपनी तरफ से जो कदम उठा रही है वो उठा रही है, लेकिन मुझे भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूँ। उसी रास्ते पर चलते हुए मैंने एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर देखा, वो क्या था? वो था यहाँ पे होटल को ना बनाते हुए, यानी कंक्रीट डाल के होटल नहीं बनाया और एक व्हील्स के ऊपर मील देना शुरू किया, यानी कि एक गाड़ी को मॉडिफाई किया और उस गाड़ी में मॉडिफिकेशन इतना अच्छे से किया कि उसके अंदर एक होटल का सेटअप हो गया। अभी मैं कुछ दिनों से कई सारे ऐसे फूड ट्रक को विजिट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और उसमें क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो कुछ ऐसे आइडियाज़ लगा रहा हूँ। जैसे कि फूड ट्रक चलने में कोई इशू है, या फिर उनका सेटअप में कुछ और ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, और दूसरी चीज़ या तो उनका जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है उन लोगों का, तो उनकी कॉस्टिंग को कुछ कम कर पाता हूँ। जो भी होता है, कोशिश मेरी है, हो पाएगा तो अच्छा है, नहीं हो पाएगा तो मेरे मन में ये रहेगा कि हाँ, मैंने कोशिश ज़रूर की थी, नहीं कामयाब हुआ वो अलग बात है। लेकिन हाँ, मैं कर रहा हूँ अभी एक प्रोजेक्ट ऐसा करने वाला हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पर? मैं जा रहा हूँ एक फूड ट्रक को विजिट करने के लिए जो इस रास्ते में ही आगे जाके लगा हुआ है। फूड ट्रक पर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे इन लोगों ने बनाया है, क्या क्या इनके साथ परेशानियाँ आ रही हैं, या फिर क्या इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन चीज़ों के लिए। और अगर कोई चाहता है कि इस तरह का फूड ट्रक का बिजनेस करे तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा एक कोशिश है कि एक फूड ट्रक में मॉडिफाई करूं, बनाऊं, और अच्छे से अच्छा सारी चीज़ों को रीड करके, सारी चीज़ों को एनालाइज करके कि क्या इन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और मेरा जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है बेस्ड ऑन ग्राउंड। जो ग्राउंड लेवल पे परेशानियां हैं उनको देख के मैं बात करता हूँ, या फिर ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ गूगल सर्च से करके मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा मिल पाता है। तो अभी वो खड़ी है हमारी सुमो गोल्ड, और एक ये अलग सी गाड़ी खड़ी है। अलग सी गाड़ी मतलब व्हील है इसमें, पहिए हैं, व्हील के ऊपर मिलता है मील। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि इसको कुछ देखना चाहिए कैसा है। खाना बनेगा नीचे और ऊपर बैठने का सेटअप, मतलब एक तरह से इको फ्रेंडली, सबसे बढ़िया। आपको कुछ रेंट लेने की ज़रूरत नहीं है कोई जगह, आप इसके अंदर काम कर सकते हो। तो यह है कुछ ऐसा फूड ट्रक, पीछे से होके एक बार दिखाता हूँ, ऐसा दिख रहा है। ऊपर बैठने का सेटअप, नीचे किचन, बाकी यहाँ पे अच्छा फ्रिज भी लगा हुआ है इसके अंदर। एक देखेंगे अभी, फ्रिज भी देखते हैं कैसे चल रहा है ये, क्या चल रहा है पूछना पड़ेगा। लेकिन पहले ऊपर देख के आते हैं ऊपर क्या क्या है। वेरी गुड, डस्टबिन, और ये आ गए फूड ट्रक के हम ऊपर। और यहाँ पे बना हुआ है पूरा सेटअप, बैठने का शेड, मतलब एक अच्छा सेटअप है। हिल रहा है क्या? हाँ हिल तो रहा है, 8-10 लोग आराम से बैठ सकते हैं इस पे। बैठ के देखूं, अच्छा थोड़ा सा हिलता है अगर बैठते हैं तो। और नीचे व्यू कुछ ऐसा, और ऊपर ये ऊपर शेड लगाया हुआ है रूफ, सबसे बढ़िया। या तो अगर इनको अगर बंद करना होता तो पूरा मॉडिफिकेशन करना होता, लेकिन अभी क्या है, सिंपल ये लगाया और यहाँ लगा के, और ये फोल्डिंग है, फोल्डिंग इसको बंद कर दिया और चलने दिया। नीचे चलते हैं, देखते हैं किचन कैसा, एक बार किचन दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है किचन, भाई साहब देख सकते हैं क्या? हाँ, अंदर आ जाइए। अंदर आ सकता हूँ? कहाँ से देखेंगे? एक्सप्रेशन, पानी आता है? आता है जी, फर्स्ट क्लास, मतलब एक तरह का रेस्टोरेंट सेटअप। और ये आ गया जी किचन। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा त्रिभुवन सिंह बिस्ट। बिस जी, हाँ जी। तो बिस जी, आपने ये सेटअप पूरा लगाया है यहाँ पे? हाँ जी। ये आपका किचन है इस तरफ? हाँ जी। फ्रिज है? फ्रिज कैसे चलता है? फ्रिज के साथ प्रीपेड कनेक्शन ले रखा ऊपर से। प्रीपेड कनेक्शन? वायर डाल देगी ऊपर से। अच्छा, प्रीपेड होता है क्या ऐसा? हाँ जी, बस ये कि रिचार्ज करने के लिए नैनीताल जाना पड़ता है। अच्छा, रिचार्ज करने के लिए नैनीताल, कहीं भी आप वायर डाल के रिचार्ज करके चला सकते हो। 24 घंटे के पर डे के वही 24 घंटे के 24 रुपए पड़ते हैं। 24 घंटे के 24 रुपए? हाँ जी। बस बस
आप फ्रिज चलाओ कुछ भी चलाओ। हाँ फ्रिज चलाओ कुछ भी चलाओ, अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हो तो फिर भी आपके पैसे कटेंगे वाला हिसाब। अच्छा, यानी यूज नहीं भी कर रहे हो तब भी कटेंगे। इसलिए अब आपका इसमें फ्रिज चल जाएगा, और क्या क्या चलेगा? और सभी चल जाएगा सर, इसमें होम थिएटर सब लग जाते हैं। और कभी रिलोकेट होते हो तो कहीं दूसरी जगह लगाते हो फिर? नहीं, अभी तो फिलहाल नया काम स्टार्ट किया तो यहीं खड़ी करते हैं। नहीं, मान लो अगर कभी लगाना पड़ा तो बिजली कनेक्शन फिर वहां से भी मिल जाएगा? मिल तो नहीं जाएगा सर, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ेगी उस एरिया के लिए। हमने यहाँ की परमिशन ली तो यहीं खड़ी कर, यहीं खड़ी कर सकते हो। फ्रिज वगैरह भी चलता है आपका, और बाकी इधर से ऐसा स्टोरेज कहाँ है ये सब? हाँ सब ये सामान रखने वाला है यहाँ, इधर ये भी पूरा स्टोरेज। हाँ यहाँ दाल वाल रखी है हमने, उधर इस साइड मसाले रखे हैं। ये पूरा स्टोरेज हो गया? हाँ पूरा स्टोरेज हो गया यहाँ। और इसमें और इस तरफ क्या है? ये सर स्टोर रूम है। ये भी स्टोर रूम? यहाँ टंकी लगी हुई है अंदर 100 लीटर की। अच्छा, ये 100 लीटर का टैंक लगा हुआ है पानी का? हाँ जी। ये जो वॉश बेसिन वगैरह चल रहा है? हाँ सब यहाँ जो पानी आ रहा है सब इसमें चल रहा है, सब इसी से हो रहा है। बाकी हम इधर भर लाते हैं, इधर से ना गांव से बाकी भर के लाते हैं। हाँ, पाइप डाल देते हैं वहाँ से। और ये लगा हुआ है, इसको खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं। तो रात को इसको क्या बंद करते हो? हाँ रात को बंद करते हैं, अपना बिस्तर लगा के यहीं सो जाते हैं, कभी भी सुबह घर चले जाते हैं। सुबह घर चले जाते हो वॉशरूम जाने के लिए? वैसे ये कॉन्सेप्ट आइडिया कहाँ से आया आपको? ये भैया ने। अच्छा, भैया ने बताया था क्या? हाँ भाई है हम। अच्छा, आप दोनों लोग भाई हैं? हाँ ट्विंस हैं। तो आप ट्विंस हो दोनों? हाँ। हेलो सर। हेलो। तो आपने आइडिया दिया ये लगाने के लिए? हाँ, एक्चुअली मैं भी पहले होटलियर से ही, होटलियर ही था। अच्छा, तो लॉकडाउन के टाइम पे जॉब का थोड़ा सा इश्यू हो गया था, उसके बाद हमने अपना ही कुछ स्टार्टअप करने की सोची थी। साथ का और है शेफ, वो भी तंदूर का सू शेफ है। अच्छा, तो हम लोग मिलके काम करते हैं। ये सबसे अच्छा है कि आपने मतलब उसको अपने में ही चेंज कर दिया कि साहब हमें नौकरी कहाँ ढूंढने जाना है। हाँ, अपना ही कर लेना, अपना खुद का बिजनेस। बनवाया कहाँ से ये? ये हल्द्वानी से। हाँ हल्द्वानी से। हल्द्वानी से? हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा, ये भी नीचे डिजाइन किया हुआ इन लोगों ने? ये एक्स्ट्रा सामान रखना, नीचे एक्स्ट्रा सामान रखना है। हाँ। इधर ये है किचन, अपना लेके चल सकते हैं। हाँ जी। तो अभी क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या बनाते हैं आप? अभी तो सर चाय, मैगी, कॉफी, ब्रेड, ऑमलेट और नाश्ता टाइप का। नाश्ता टाइप का दाल चावल ही बन जाता है, बाकी जो नॉनवेज मांगता है तो कस्टमर की डिमांड पे वो भी बना देते हैं। वेरी, जिस टाइप की कस्टमर की डिमांड होती है उस टाइप से बनाते हैं। बढ़िया। अच्छा, ये गाड़ी चलती है आपकी? हाँ गाड़ी चलती है। इंजन वगैरह सब सही है? सब सही है। लेकिन एक चीज बताना, जैसे इन्होंने गाड़ी में बनाया तो इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन हाँ सब कुछ है ना? सब कुछ है। इसका ये है कि नंबर प्लेट सब आरटीओ में सिलेंडर जाती है। अच्छा, जब ऐसा बना दिया तो नंबर प्लेट आरटीओ में सिलेंडर करनी पड़ेगी? एक जगह पे खड़ी करोगे तो नंबर सिलेंडर करने में अगर चलती रहेगी गाड़ी तो उस कम को से कागज वो लेके आनी पड़ेगी, लेके आनी पड़ेगी। और मान लो अभी आपने रखी हुई है, अब आपको कहीं और लगाना पड़े तो लेके आओगे? लेके आना पड़ेगा, परमिशन लेके। अच्छा, यानी कि ये इसका रूल है कि आपने गाड़ी में बना दिया और नंबर प्लेट को जमा कर दिया, तो अब आपको इंश्योरेंस और ये टैक्स वगैरह कुछ भी देने की जरूरत ना ना, आपका सिंपल ये कार्ड हो गया एक तरह से, है ना? वेरी गुड। नीचे से देखते हैं एक बार कुछ। अभी हम आ गए बाहर, छोटा सा गेट भी लगा हुआ है, ये छोटा सा गेट लॉक किया। लाइट ऑन करना, अभी दिन की रोशनी में इतना दिख रहा है, रात को तो बहुत चमकता होगा। रात को ज्यादा चमकता है, लाइट ज्यादा है। अच्छा, ये क्या मटेरियल यूज किया इन्होंने बनाने के लिए? एल्यूमिनियम शीट है ना, एल्यूमिनियम के साथ शीट लगी है पीसी। हाँ जी, पूरा स्ट्रक्चर बनाया। अच्छा, इसको बनाने में कितना खर्चा आ गया था आपका? इसमें 6 लाख लग गए। 6 लाख रुपए? हाँ जी, 6 लाख का उन्होंने पूरा कंप्लीट करके दिया। इसमें गाड़ी सही तो बाकी मॉडिफाई करके, गाड़ी प्लस मॉडिफिकेशन। हाँ जी, 6 लाख रुपए। हाँ। और रजिस्ट्रेशन वगैरह का उन्होंने सब सिलेंडर क्या उनका किया? सब उन्हीं का है। सब उनका है। हाँ जी। अगर आपको कभी कहीं ले जाना पड़ा तो फिर उनके पास जाओगे? नहीं नहीं, वो तो सब कागज जो हमारे हाथ के कागज है ना, जैसे फूड लाइसेंस बनता है इसमें। हाँ। जो अपने उसके कागज है वो तो हमारे कंप्लीट है पूरे। अच्छा, नहीं फूड लाइसेंस तो नहीं, जब इस गाड़ी का मान लो गाड़ी एक तरह से पहले तो रोड पे चलती होगी, ट्रक होगा, इसका किस्त जाती होगी, इसका इंश्योरेंस जाता होगा, इसके ऊपर बाकी चीजें जो रोड टैक्स है वो भी जाता होगा। तो अब तो वो सारा कुछ जाता नहीं है। अब कुछ नहीं है इसका, अब कुछ नहीं है इसका, अब ये फ्री कार्ट है। फ्री हो गए, फ्री हो गए। आप चाहो तो इसको ले जाओ और लगा दो। ये कैंटर आता था जो 19 फुट वाला, वो है क्या? ये 907। 907? हाँ जी, टाटा का ट्रक है। टाटा का ट्रक है ये 907। और ये आ गया हमारा एडी, गाड़ी में से निकल नहीं रहा था उस दिन के जो इंसिडेंट हुआ था, खो गया था, तब से ये डर गया। अभी देखो इतना भाग दौड़ भी नहीं कर रहा। चलो एडी कुछ खाओगे, चिप खाओगे? ले लो, देखो कितना अच्छा फूड ट्रक है। क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? कौन सा चिप? चिप
क्या चाहिए बताओ, पहले मुंह से बताओ बोल के क्या क्या लोगे बोलो। अरे एडी का कलर और गाड़ी का कलर सेम सेम, बोलो ये वाला दे दो बेटा, बता दो जल्दी, बोलो दे दो ये वाला, ये वाला दे दो। एडी कैसे आंखें बंद कर रहा है, क्या चाहिए बोलो, चिप चिप ले लो ले लो। अच्छा पैसे तो दे दो भैया को, पैसे भी दो इसमें से, ये लो इसमें से पैसे दे दो। तो भाई साहब अभी एडी ने ले लिया चिप्स, जो फूड ट्रक था वो आपको दिखा दिया। कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। मेरे मन में भी एक इच्छा है कि इसे कैंपर वैन या फिर फूड ट्रक टाइप का कुछ मैं मॉडिफाई करूँ। अभी जैसे इन लोगों ने ये बनाया हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ तो इनको परेशानियाँ आती होंगी, कुछ ऐसी दिक्कतें होंगी जो ये और होता तो हो जाता। जैसे अभी इन्होंने क्या कनेक्शन लिया हुआ है, तो क्या हम इसके इंजन को लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ सोलर का सेटअप, जैसा भी इन्होंने ऊपर शेड लगाया है यहाँ पे कुछ सोलर का भी सेटअप लगाया जा सकता था। तो मेरा इन फ्यूचर में ऐसा एक प्लान है।